lecture. Today we will discuss lesson 12, class 8. How I taught my grandmother to read. कैसे मैंने अपनी grandmother को पढ़ना सिखाया. Why should one go to school? What happens if one remains illiterate? When I was a girl about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. एक छोटी गर्ल होती है वो बोलती है कि जब मैं 12 की थी तब मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हुई थी कर्नाटक में. दोज डेज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून. उन दिनों ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, तो जो मॉर्निंग पेपर है वो कब आता था, मॉर्निंग पेपर जो वो नून में मिलता था. द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट और वीकली मैगजीन वन डे लेट आती थी. ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स वीकली मैगजीन एंड द पोस्ट. हम सब जो है बहुत ईगरली वेट करते थे. इस टाइप से जो है एक स्मॉल गर्ल अपनी ग्रैंड मदर को रीड करना बताती है. एट द टाइम त्रिवेणी वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नाड़ा लैंग्वेज. वो बोलती है कि जो कन्नाड़ा लैंग्वेज है उस वक्त त्रिवेणी बहुत पॉपुलर राइटर थी. शी वॉज अ वंडरफुल राइटर. हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग. उसकी जो स्टाइल थी लिखने की बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही विश्वसनीय थी. कन्विंसिंग मीन्स होता है विश्वसनीय. वन ऑफ हर नॉवेल काशी यात्रा अपियर्ड इन सीरियल फ्रॉम इन द कन्नाड़ वीकली कर्मवीरा. देन इट इज़ द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. एक दिन नॉवेल में जो काशी यात्रा अपियर्ड हुई, यह स्टोरी जो है एक ओल्ड लेडी और उसकी बहुत ही दृढ़ इच्छा थी काशी जाने की, उसके बारे में है. मोस्ट हिंदूज बिलीव्ड दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इज द अल्टीमेट पुण्य. काफ़ी सारे हिंदू बिलीव करते हैं कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वरा का पूजा अर्चना करना एक अल्टीमेट क्या है, पुण्य है. दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर इज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल. ये ओल्ड लेडी भी बिलीव करती थी और उसका स्ट्रगल जो है काशी यात्रा में डिस्क्राइब किया है. इन द स्टोरी देयर इज ऑल्सो यंग ऑर्फिन गर्ल हु फॉल्स इन लव बट देयर इज नो मनी फॉर द वेडिंग. इस स्टोरी में एक लड़की भी है जो ऑर्फिन थी, अनाथ थी, लेकिन और उसे किसी से लव हो जाता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे शादी करने के लिए. इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी. और आखिरी में वो जो लेडी रहती है जो काशी जाने की बहुत इच्छा रखती है, वो उस लड़की को सारे पैसे दे देती है बिना काशी जाए. शी सेज द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फिन गर्ल इज मोर इम्पोर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड. वो बोलती है कि उस लड़की का जो हैप्पीनेस है, खुशी, वो ज़्यादा जरूरी है विश्वेश्वराय काशी. माय ग्रैंड मदर कृष्टिका नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो लड़की बोलती है कभी स्कूल नहीं गई इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी. एवरी वेनसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर. हर वेनसडे जो वो एपिसोड आता था उस पत्रिका में, मैं उसे पढ़ के सुनाती थी. ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विथ मी ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन. और मेरे साथ तो वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ बहुत ही ध्यानपूर्वक वो सुनती थी. माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी. मेरी ग्रैंड मदर भी कभी काशी नहीं गई एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट. और वो खुद को जो है उस नॉवेल का मेन पात्र मानती थी. प्रोटागोनिस्ट मीन्स होता है उसका जो मुख्य पात्र होता है. सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इज नोइंग वट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज टू इंजिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट फॉर हर आउट टू हर. और उसे पढ़ना नहीं आता था, इलिटरेट थी, इसलिए मैं उसे वो सीरियल पढ़ के बताती थी और वो ही ये जो बहुत इंटरेस्ट लेती थी. वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन टू अ नेबरिंग विलेज. इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. एक बार मैं वो लड़की बोलती कि मैं अपनी कजिन की शादी नेबरिंग विलेज में कजिन की शादी में चली गई. उस वक्त वेडिंग ही बहुत ग्रेट इवेंट होता था. वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आर सेल्फ थ्रॉली. हम बहुत ही एन्जॉय करते थे. वी वुड ईट एंड प्ले एंड लेजली. हम खाते थे, पीते थे, सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी. क्योंकि सभी एल्डर्स क्या थे, बिजी थे. आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक. मैं कुछ डेज के लिए ही गई थी लेकिन मैं पूरे वीक वहाँ रुकी. वेन आई केम बैक टू माई विलेज आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स. जब मैं वापस आई तो मैंने देखा ग्रैंड मदर रो रही थी. आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन. मैं सरप्राइज थी कि मैंने कभी उन्हें रोता हुआ नहीं देखा था. इवन बहुत सिचुएशन भी क्रिटिकल होती थी तब भी. व्हाट हैड हैपन्ड आई वॉज वरीड. मैं बहुत चिंतित थी तो मैं सोच रही थी क्या हुआ होगा. अवा इज एवरीथिंग ऑल राइट आर यू ओके. तो लड़की पूछती क्या आप ठीक हो. ग्रैंड मदर को अवा बोलते हैं. आप सब ठीक है. शी नॉडेड बट
डिड नॉट रिप्लाई, उसने सिर हिलाया बट कोई रिप्लाई नहीं किया. नॉडेड मीन्स होता है सिर हिलाना. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगेट द इंसिडेंट, मैं उसे समझी नहीं और वो भूल गई कैसी होगा. इन दैट इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस, हम घर के टेरेस पे सो रहे थे डिनर के बाद. इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून, समर नाइट थी, फुल मून था. अवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अवा आई और मेरे पास बैठी. हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माय फॉरहेड, आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक. आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर. When I was a young girl, I lost my mother. तब वो बोलती है कि जब मैं छोटी लड़की थी मैंने अपनी माँ को खो दिया. There was nobody to look after, guide me. कोई तो बोला कि सिर हिलाया. When I was young girl, my mother lost my mother खो गई थी और फिर मुझे देखने वाला कोई नहीं था. My father was busy man and got married again. मेरे फादर जो बहुत बिजी मैन थे वापस उन्होंने शादी कर ली. इन दो डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल, और उन दिनों गर्ल्स के लिए एजुकेशन को बहुत इसेंशियल मीन्स होता है आवश्यक नहीं मानते थे. आई नेवर वेंट टू स्कूल, आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, मैं बहुत ही कम उम्र में मेरी शादी हो गई और बच्चे हो गए. आई बिकम वेरी बिजी, और मैं भी बहुत बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और मुझे आप सबको खाना खिलाने में भी हमेशा रही. एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल, अब मुझे बहुत ही पछतावा होता है. रिग्रेट मीन्स होता है पछतावा होता है. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडाइड वेल, तो मैं ये श्योर करती हूँ कि मेरी चिल्ड्रन और बच्चे अच्छे से पढ़े. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी अ 12 ईयर्स ऑल द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ द नाइट. तो लड़की बोलती कि मेरी जो ग्रैंड मदर है जो 62 इयर्स की, वो मुझे सब क्यों बोल रही है रात को, आधी रात को. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न व्हाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और बट मैं जानती थी कि वो मुझे किसी न किसी रीज़न की वजह से बोल रही. आई लुकड एट हर फेस, आई वॉज अनहैप्पी एंड आईज वर फील्ड टीयर्स, वो बहुत नाकुश थी और आँखों में उनके आंसू थे. अवा डोंट क्राई, व्हाट इज़ द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, यस आई नीड योर हेल्प, वो कहती हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. यू नो वेन यू वर अवे, कर्मवीरा कम केम एज यूजल, जब कर्मवीरा जो है वो ऐसे ही आती थी. आई ओपन द मैगजीन, मैंने वो मैगजीन खोली. आई सॉ द पिक्चर दैट अकंपनीज द स्टोरी ऑफ काशी, मैंने वो देखा जो काशी की आगे की स्टोरी को बताती है. यात्रेन आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनी थिंग दैट वॉज रिटर्न, मैंने जब वो आगे की पढ़ी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या लिखा हुआ. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मैं तुम्हारा बहुत ईगरली बहुत ही दृढ़ता से जो है रिटर्न होने का इंतजार कर रही थी और ये सोच रही थी कि तुम मुझे पढ़ के बताओगी. आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरेस्ड टू डू सो, मैं ये किसी से पूछ सकती थी गाँव में बट मुझे बहुत ही एम्बेरेस्ड फील हो रहा था ऐसा करने में, बहुत शर्मिंदगी लग रही थी. आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मुझे उस वक्त बहुत ही डिपेंडेंट और हेल्पलेस महसूस हुआ. वी आर वेल ऑफ बट वॉट इज द यूज ऑफ मनी वेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, हम बहुत ही अच्छे हैं लेकिन इस मनी का क्या फायदा जब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर निर्भर हूँ. आई डिड नॉट नो वॉट टू से इन एंसर, अवा इज कंटिन्यू, मैं नहीं जानती थी कि एंसर में क्या कहे. अवा कंटिन्यू रखती गई. आई डिसाइडेड टू लर्न द कन्नाड़ा अल्फाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, मैंने डिसाइड किया कि कल से मैं कन्नाड़ा अल्फ़ाबेट सीखूंगी. आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एट द डेडलाइन. तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत कठिन परिश्रम करूंगी और सरस्वती पूजा करूंगी दशहरा पे जब मैं पढ़ लूंगी. आई सॉ द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस, मैंने उनके फेस पे डिटर्मिनेशन देखा, दृढ़ इच्छा देखी. येट आई लव्ड इट हर, लेकिन फिर मैं हंसी भी सही. आवा एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न अल्फ़ाबेट, कि 62 की एज में आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहते हैं. ऑल योर हेयर इज़ ग्रे, योर हैंड आर रिंकल्ड, यू आर स्पेक्टिकल्स एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, कि तुम्हारे हेयर ग्रे हो गए हैं, तुम रिंकल्ड हो गए हैं, चश्मा लगाती हो, किचन में काम करती हो. फॉर अ गुड कॉज इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, आई विल वर्क हार्डर देन एनी बडी बट आई विल डू इट. तो बोलते कि किसी भी काम को अगर किया जाए बहुत ही डिटरमाइंड के साथ, विश्वास के साथ, तो हम किसी भी बाधा को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, उसे हरा सकते हैं. मैं ये करूँगी और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगी दूसरों से. फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, वो बोलते सीखने की कोई उम्र नहीं होती. द नेक्स्ट डे आई स्टार्टेड माई ट्यूशन, अगले दिन मैंने ट्यूशन स्टार्ट की. अवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट रही. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, होमवर्क वो बहुत अच्छा करती थी. शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट. आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, मैं उनकी पहली टीचर थी और वो मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी. लिटिल डिड आई नो दैट
देन दैट वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट. थोड़े जब मैंने इसे किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैं एक दिन कंप्यूटर टीचर बनूंगी और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी. द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल. जैसा आता है दशहरा फेस्टिवल आया. सीक्रेटली आई बोथ काशी यात्रा. सीक्रेटली मैंने जो है काशी यात्रा खरीदी विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवेल बाय दैट टाइम. और उस दिन जो काशी उस टाइम पर जो है वो नॉवेल के रूप में पब्लिश्ड हुई थी. माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल. मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे पूजा प्लेस पर बुलाया और मुझे स्टूल पर बिठाया. शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल. उन्होंने मुझे फ्रॉक का मटेरियल दिया. देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल. और उन्होंने कुछ अनयूजुअल किया, मीन्स जिससे नहीं करना चाहिए. शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट. वो नीचे झुकी और मेरे पाँव को छुआ. आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक. मैं सरप्राइज्ड हो गई. और अबैक का मीनिंग होता है थोड़े पीछे सरक जाना, पीछे चली गई. एल्डर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स. तो उसने कहा कि एल्डर यंगर के पैर नहीं छूते हैं. वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड एल्डर्स एंड टीचर्स. वी कंसिडर डेट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. हम हमेशा जो है गॉड के, एल्डर के और टीचर्स के पाँव छूते हैं और हम इसे रिस्पेक्ट मानते हैं. शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर. तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीचर के पांव छू रही हूँ. नॉट ऑफ माई ग्रैंड डॉटर. मेरी ग्रैंड डॉटर के नहीं. अ टीचर हु टॉट मी वेल. वह टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया. विथ सो मच अफेक्शंस दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड. उस इस तरह से सिखाया कि मैं अब कोई भी नॉवेल बहुत ही कम समय में पढ़ सकती हूँ. नाउ आई एम इंडिपेंडेंट. अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ. इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर. और ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उस टीचर की रिस्पेक्ट करूँ जिसने मुझे पढ़ना सिखाया. इट इज़ नॉट रिटन इन आर स्क्रिप्चर. ये हमारी धार्मिक पुस्तकों में तो नहीं लिखा गया है दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर एंड एज. ये तो नहीं लिखा गया कि टीचर का रिस्पेक्ट जेंडर और एज देख के किया जाए. आई रिटर्न द नमस्कार. मैंने उन्हें नमस्कार किया टू हर बाय टचिंग हर फीट. उनके टच फीट टच किए एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट. और मैंने अपनी फर्स्ट स्टूडेंट को गिफ्ट दिया. शी ओपन इट एंड रीड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम. उन्होंने उसे खोला, काशी यात्रा त्रिवेणी पढ़ी और पब्लिशर का नेम पढ़ा. आई न्यू देन डेट माई स्टूडेंट हेड कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स. अब मैं जान चुकी थी कि मेरे स्टूडेंट क्या हो गए फ्लाइंग कलर्स, मीन्स अब परफेक्ट हो गई है वो. स्टूडेंट वी हैव कम्प्लीटेड आर चैप्टर एक्सप्लेनेशन. नाउ वी आर गोइंग टू सी वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर. हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लॉसरी और मीनिंग्स. ट्रांसपोर्ट सिस्टम मीन्स आवागमन के साधन. वीकली मीन्स साप्ताहिक. मैगजीन मीन्स पत्रिका, चाहे वो साप्ताहिक हो, मंथली हो, वार्षिक हो. कन्विंसिंग मीन्स होता है विश्वसनीय, वर्थी ऑफ बिलीफ. अर्डेंट मीन्स होती है बहुत दृढ़ इच्छा. डिजायर मीन्स होती है इच्छा. अल्टीमेट मीन्स होता है लास्ट या फाइनल, अंतिम जो होता है वो. स्ट्रगल मीन्स होता है परिश्रम. ऑर्फिन मीन्स होता है अनाथ. कॉन्सेंट्रेशन मीन्स होता है ध्यान देना. इंजिट्स मीन्स होता है टू फोर्स, जोर देना. सेवरिंग मीन्स होता है सुखद. सिचुएशन मीन्स होती है परिस्थितियाँ. नॉड मीन्स होता है सर हिलाना. अफेक्शनेट मीन्स प्यारा. कंसिडर मीन्स सोचना. फीडिंग मीन्स प्रोवाइडिंग फूड, मीन्स खाना देना. इमेंस मीन्स बहुत अधिक. अकंपनी मीन्स टू गो समवेयर विथ समबडी, मीन्स किसी के साथ जाना. इम्बेलेंस्ड मीन्स शर्मिंदगी महसूस करना, शाइनेस फील करना. डिटर्मिनेशन मीन्स होता है नियंत्रित रखना, डिटर्मिनेशन करना. क्वालिटी ऑफ बींग फर्मली कमिटेड टू डूइंग समथिंग. ऑब्स्टेकल मीन्स होता है बाधाएं, हमारे मार्ग की जो बाधाएं होती हैं उन्हें बोलते हैं. अमेजिंग मीन्स होता है सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक. अनयूजुअल मीन्स होता है नॉट कॉमन और ऑर्डनरी, मीन्स असाधारण. स्क्रिप्चर मीन्स होता है होली बुक और ऑफ एनी रिलीजन, मीन्स धार्मिक पुस्तक. स्टूडेंट नाउ वर्ड पावर बी फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स. आपको जो वर्ड दे रखे इनसे फिलअप फिल करना है. देर आर डिफरेंट वेज टू वर्शिप गॉड. भगवान की पूजा करने के कई सारे वे हैं. वी शुड रिप्लाई इन द क्लास कॉन्फिडेंटली. हमें कॉन्फिडेंटली क्लास में रिप्लाई करना चाहिए. महात्मा गांधी वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द पीपल बिकॉज ऑफ हिज गुड क्वालिटीज. पॉपुलर. मुंशी प्रेमचंद रोट मैनी नॉवेल्स ऑन सोशल प्रॉब्लम्स. फाइव. वेन समबडी वर्क्स ऑब्स्टेकल्स कम इन हिज फेस बट दे टीच हीम हाउ टू फेस प्रॉब्लम. ऑब्स्टेकल मीन्स होते हैं बाधाएं. नाउ कंप्रेहेंशन.
ए व्हाई डिड द वीकली मैगजीन कम लेट इन द विलेज. विलेज में वीकली मैगजीन वो कम क्यों आती थी और लेट क्यों आती थी. द वीकली मैगजीन कम लेट इन द विलेज बिकॉज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड. विलेज में जो वीकली मैगजीन है वो लेट आती थी क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो बहुत अच्छा नहीं था. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वट इज़ द स्टोरी ऑफ द नॉवल काशी यात्रा. काशी यात्रा जो है वो किसकी स्टोरी है, कौन सी स्टोरी. काशी यात्रा इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर अर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी. काशी यात्रा जो है एक ओल्ड लेडी और उसकी दृढ़ इच्छा की जो एक स्टोरी है काशी जाने की. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड द लिटिल गर्ल रेड द सीरियल आउट फॉर हर ग्रैंड मदर. उस लिटिल गर्ल ने अपनी ग्रैंड मदर के लिए वो सीरियल क्यों पढ़ा ना. तो द लिटिल गर्ल रेड द सीरियल आउट फॉर हर ग्रैंड मदर बिकॉज हर ग्रैंड मदर वॉज इलिटरेट. उसने उसके लिए वो सीरियल पढ़ा क्योंकि उसकी जो ग्रैंड मदर थी क्या है वो इलिटरेट थी, मीन्स शी कुड नॉट रीड एंड राइट. वट क्वेश्चन नंबर फोर, वट हैपन वेन द गर्ल वेंट टू अटेंड अ वेडिंग इन द नेबरिंग विलेज. क्या हुआ जब वो लड़की नेबरिंग विलेज में शादी अटेंड करने चली गई. लेट्स सी आंसर. ग्रैंड मदर कुड नॉट अंडरस्टैंड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काशी यात्रा वेन द गर्ल वेंट टू अटेंड अ वेडिंग इन द नेबरिंग विलेज. जब ग्रैंड मदर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, समझ नहीं सकी अगला एपिसोड काशी यात्रा का, जब वो लड़की कहाँ चली गई, पास वाले विलेज में, क्योंकि हम सब जानते हैं उसकी जो ग्रैंड मदर है वो ना लिख सकती थी ना पढ़ सकती थी. दैट्स वाई शी फेस्ड दिस डिफिकल्टीज. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई वॉज ग्रैंड मदर एन अनहैप्पी. ग्रैंड मदर जो है वो क्यों नाखुश थी, खुश नहीं थी. आर एंसर इज ग्रैंड मदर वॉज अनहैप्पी बिकॉज शी फाउंड हर सेल्फ हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट. ग्रैंड मदर जो है वो नाखुश थी क्योंकि उन्होंने खुद को हेल्पलेस और डिपेंडेंट पाया. नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, वट हेल्प डिड ग्रैंड मदर नीड फ्रॉम हर ग्रैंड डॉटर. अपनी ग्रैंड डॉटर से ग्रैंड मदर को क्या हेल्प चाहिए थी. सर आंसर इज ग्रैंड मदर टोल्ड हर ग्रैंड डॉटर दैट शी टीच हर द कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स. उन्होंने ये कहा अपनी ग्रैंड डॉटर को कि वह उसे क्या सिखाए, कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स सिखाए उन्हें ताकि वह पढ़ सके. नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन, हाउ वॉज ग्रैंड मदर अ वंडरफुल स्टूडेंट. कैसे जो है ग्रैंड मदर एक वंडरफुल स्टूडेंट रही. आर एंसर इज ग्रैंड मदर वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट. ग्रैंड मदर एक वंडरफुल स्टूडेंट थी. द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग. शी वुड रीड रिपीट एंड रिसाइट. जो होमवर्क जो करती थी वो बहुत ही अमेजिंग था. वो रीड करती थी, रिपीट करती थी और वापस से रिसाइट करती थी. नाउ क्वेश्चन नंबर एट, वट डिड ग्रैंड मदर डू ऑन दशहरा फेस्टिवल. ग्रैंड मदर ने दशहरा फेस्टिवल पर क्या किया. सो स्टूडेंट वी ऑल नो वट शी डिड. सो लेट्स सी आर आंसर. ग्रैंड मदर कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर टू पूजा प्लेस. ग्रैंड मदर ने अपनी ग्रैंड डॉटर को पूजा प्लेस पर बुलाया एंड मेड हर सिट डाउन ऑन अ स्टूल. और उसे स्टूल पर बिठाया. शी गेव हर अ गिफ्ट ऑफ अ फ्रॉक मटेरियल. उसने फ्रॉक मटेरियल का उसे गिफ्ट किया एंड देन शी टच्ड हर फीट. और फिर उसने उसके पांव छुए. नाउ बी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. हमें जो है जो करेक्ट अल्टरनेटिव है उसे चूज करके लिखना है. ए इन दोज डेज गर्ल्स एजुकेशन वर कंसिडर्ड. गर्ल्स के एजुकेशन को कैसा माना जाता था, इसेंशियल या नॉट इसेंशियल. तो उन दिनों गर्ल्स के एजुकेशन को इतना आवश्यक नहीं माना जाता था. तो राइट आंसर इज नॉट इसेंशियल. नाउ बी ग्रैंड मदर कुड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज देर वॉज नो स्कूल इन द विलेज. शी गॉट मैरिड वेरी यंग एज एंड हैड चिल्ड्रन. सो राइट आंसर इज शी गॉट मैरिड वेरी यंग एज एंड हैड चिल्ड्रन. नाउ क्वेश्चन सी, सॉरी ऑप्शन सी, द ओल्ड लेडी इन द नॉवेल काशी यात्रा बिलीव्ड दैट. जो ओल्ड लेडी थी काशी यात्रा में वो क्या विश्वास करती थी. गोइंग टू काशी एंड वर्शिम लॉर्ड विश्वेश्वरा हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस या द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फिन गर्ल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. तो विश्वास करती थी द हैप्पीनेस ऑफ द ऑर्फिन गर्ल वॉज मोर इम्पॉर्टेंट. नाउ डी ग्रैंड मदर वॉज डिटरमाइंड टू लर्न. शी सेड आई शिल ट्राई टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट. आई एम टू ऑल टू लर्न. जब उसे डिटरमाइन किया उन्होंने तो उसने क्या कहा कि आई शिल ट्राई टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट. इट इज़ आर राइट आंसर. नाउ कम्प्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाई यूजिंग यूज टू प्लस वर्ब्स. वन एग्जाम्पल्स हैज़ बीन डन टू हेल्प यू. हमें जो है इन सेंटेंस को यूज टू का यूज़ करके और वर्ब का यूज़ करके इन्हें कम्प्लीट करना. फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड इन ब्रीफ
वेयर वी विल यूज दिस वर्ड यूज्ड टू का कहाँ यूज़ करेंगे. सबसे पहले तो ये एक मॉडल वर्ब होती है यूज्ड टू, और इसका इसका यूज़ हम पास्ट में कोई वर्क करते थे उसके लिए यूज़ किया जाता था. जैसे मैं बोलती हूँ मैं पहले गाना गाया करती थी, मैं पहले घूमने जाया करती थी, मैं पहले उसके घर, मीन्स जो पास्ट में हम कोई वर्क करते थे और अब नहीं करते हैं उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं. और ऑलवेज इसके बाद हम फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं. सो लेट्स सी, एक एग्जांपल भी यहाँ दिया गया है. आई यूज्ड टू प्ले टेनिस बट नाउ आई डोंट. मैं टेनिस खेलती थी बट अब नहीं. तो यहाँ ये बताएगा कि यूज्ड टू मीन्स वो काम में पहले करती थी. सेकेंड, माय फ्रेंड्स फादर यूज्ड टू ट्रेवल अ लॉट बट नाउ ही डजंट गो एनी अवे वेरी ऑफन. अब यहाँ लिखा है कि मेरे जो फ्रेंड के फादर हैं वो बहुत ही ट्रेवल करते थे लेकिन अब वो अक्सर कहीं नहीं जाते. थर्ड, देयर यूज्ड टू बी अ कैसल ऑन दैट हिल सम ईयर्स अगो. कुछ साल पहले यहाँ क्या होते थे, उस हिल पर कैसल होते थे, महल होते थे, मीन्स अब नहीं है, वहाँ हिल बन चुकी है इस टाइप से. फोर, रीता यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर बट शी गॉट इट कट समटाइम्स अगो. रीता जो है वो क्या करती थी, लॉन्ग हेयर रखती थी बट कुछ टाइम पहले उसने कटवा लिए. फाइव, वी यूज्ड टू लिव इन इंदौर बट नाउ वी लिव इन भोपाल. पहले हम इंदौर में रहते थे बट हम अब भोपाल में रह रहे हैं. सिक्स, माय ब्रदर यूज्ड टू ड्रिंक मिल्क व्हेन ही वाज यंग. मेरा ब्रदर मिल्क पीता था जब वह यंग था. सेवन, रोहित यूज टू वर्क हार्ड बट नाउ डेज ही हैज बिकम अ बिट केयरलेस. रोहित जो है बहुत वर्क हार्ड करता था पहले लेकिन अब वो थोड़ा सा क्या हो गया है, केयरलेस हो गया है. एट, मिस्टर मेहता यूज टू टीच अस इंग्लिश व्हेन आई वाज इन क्लास सेवन. मिसेस मेहता हमें इंग्लिश पढ़ाती थी जब मैं क्लास सेवन्थ में था. तो हियर वन थिंग इज क्लियर, वी यूज्ड टू इन रेगुलरली वर्क इन पास्ट. जो भी हम पास्ट में कोई रेगुलरली वर्क करते हैं तब हम वहाँ यूज्ड टू का यूज़ करते हैं. यू हैव टू राइट दिस वर्कशीट इन योर इंग्लिश नोटबुक. हियर आर चैप्टर कम्प्लीटेड. यू हैव टू राइट दिस इन योर इंग्लिश नोटबुक एंड दिस वर्कशीट यू विल राइट इन योर ग्रामर नोटबुक, इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक. थैंक यू.